हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर 61 एंड द डेट इज 3rd दिसंबर 2020। योर क्लास इज 9th। हेयर यू विल राइट योर नेम एंड हेयर यू विल राइट योर क्लास टीचर्स नेम, और एज इट इज अपनी नोटबुक में आप लिखेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है अबाउट मारिया शारापोवा, जो कि आपका चैप्टर है रीच टू द टॉप तक पहुंचने के लिए। और ये चैप्टर आपकी जो बिहाइव बुक है उससे लिया गया है, चैप्टर नंबर 8 है। इसका पार्ट 1 भी पढ़ चुके हो, जिसका जो किसके ऊपर बेस था, संतोष यादव जी के ऊपर बेस था। तो मारिया शारापोवा के बारे में हम पढ़ेंगे। मारिया शारापोवा हैज़ बीन अ नंबर 1 टेनिस प्लेयर एट द एज ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड। मारिया शारापोवा टेनिस खेलती थी और वो सिर्फ 18 साल की उम्र में नंबर 1 बन चुकी थी, मतलब नंबर 1 का स्थान वो हासिल कर चुकी थी। देर इज समथिंग एट ओड्स विद मारिया शारापोवा विद हर स्माइल एंड ड्रेस। जो उनकी जो स्माइल थी और जो उनकी ड्रेस थी उसमें कुछ ना कुछ ओड था, कुछ ना कुछ अलग था औरों से। दिस लिफ्टेड हर ओन 22nd अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजिशन इन वुमेन्स टेनिस। और इनकी जो स्माइल थी और जो रहने का तरीका था, जो मेहनत करने का तरीका था, उसने उनको 22 अगस्त 2005 को नंबर 1 पोजीशन बना में पर पहुंचा दिया वुमेन्स टेनिस पे। शी इज ए साइबेरियन टीनेजर। वो साइबेरियन मीन्स रसिया की रहने वाली थी। इट टुक हर 4 ईयर्स टू अचीव द टॉप पोजीशन, और उनको 4 साल लगे उस टॉप पोजीशन तक पहुँचने के लिए। मारियाज क्लाइंब अपवर्ड स्टार्टेड 9 ईयर्स बिफोर। जो मारिया का जो उसका अपवर्ड क्लाइंब, मतलब जो ऊपर उसका जो चढ़ना था, मतलब जो उसकी जो प्रोग्रेस थी, वो 9 साल पहले शुरू हो गई थी एट द एज ऑफ 9। शी वॉज नॉट येट 10 व्हेन शी वॉज सेंट टू ट्रेन इन अमेरिका। वो 10 साल की भी नहीं हुई थी तब वो अमेरिका से तब वो साइबेरिया से अमेरिका तक उसको उनको भेजा गया। उनके पिताजी उनके साथ आए। डेट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी पुट हर ऑन द लाइन टू सक्सेस एंड स्टारडम। और जो वो ट्रिप थी जो फ्लोरिडा तक उनके पिता के साथ, उनको उस लाइन पर सक्सेस, सफलता की लाइन पर, स्टारडम एक स्टार बनने की लाइन पर उन्होंने उनको वहाँ पर पहुँचा दिया। बट इट मीन्ट अ सेपरेशन आल्सो 2 ईयर्स फ्रॉम हर मदर यलीना। लेकिन क्योंकि उनकी जो मदर थी यलीना, उनको वीज़ा रेस्ट्रिक्शन की वजह से उनसे दूर रहना पड़ा 2 सालों के लिए। तो उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइसेस भी किए हैं, क्योंकि एक 9 साल के बच्चे के लिए अपनी माँ से दूर रहना बहुत डिफ़िकल्ट है। आगे यहाँ पर सेकंड जो पार्ट में पढ़ेंगे, मारिया स्टे एंड ट्रेनिंग इन द US। मारिया का जो रहना था उस और उनकी जो ट्रेनिंग थी US में, उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। मारिया रिकॉल्स डैट शी फेल्ट लोनली इन द US। शी मिस्ड हर मदर ग्रेटली। मारिया बिल्कुल अकेला महसूस करती थी US में, क्योंकि वो वहाँ पर नई थी। उनके लिए, US वालों के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के जो और बच्चे जो ट्रेनिंग करते थे उनके उनसे वो डिफरेंट थे, उनसे वो अलग थी। शी मिस्ड हर मदर ग्रेटली। वो अपनी माँ को बहुत बुरी तरह से, मतलब वो उनकी माँ को बहुत बुरी तरह से मिस करती थी, चाहती थी कि उसकी माँ उनके पास आ जाए। हर फादर आल्सो कुडंट शी हर मदर। और उनके जो फादर थे वो भी उनकी पत्नी, मतलब मारिया जी की जो मदर है, उनको वो देख नहीं सकते थे। ही अर्नड ओनली एज मच एज टू कीप हर टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। वो इतना ही कमा पाते थे कि उनकी जो टेनिस ट्रेनिंग है वो सिर्फ चल पाए। शी वॉज यंग, शी यूज टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। वो यंग थी और अपने जो रूम को बिल्कुल टाइडी अप, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा रखती थी। द सीनियर्स वुड मेक हर टू डू सो। और जो उनके सीनियर्स थे वो ऐसा उनसे करवाते थे। दिस मेड हर डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। और इन चीज़ों ने उनको काफ़ी डिटरमाइंड बना दिया, उनको मेंटली टफ बना दिया, और वो बिल्कुल अपना जो गोल था उनकी तरफ, बिल्कुल जो उनका निश्चय था वो बिल्कुल दृढ़ डिटरमाइंड हो गया। शी आल्सो लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। और वो ये भी सीख गई कि अपना खुद का ध्यान आदमी को, व्यक्ति को कैसे रखना चाहिए। शी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग। शी न्यू वट शी वॉन्टेड। दिस टफनेस इज स्टिल देयर इन हर। वो कभी भी क्विट करने की, हार मानने की नहीं सोचती थी।
शी न्यू वट शी वॉन्टेड, और वो ये जानती थी कि उनको क्या चाहिए। दिस टफनेस इज स्टिल देयर इनर, और जो ये टफनेस है वो आज भी उनमें बरकरार है। मारिया बिकम्स नंबर वन, मारिया कब नंबर वन बनी? शी बैग्ड, बैग्ड माने जीतना, द लेडीज सिंगल क्राउन एट विम्बल्डन इन 2004। शी बिकेम वर्ल्ड नंबर वन इन 2005। वो 2004 में उनको सिंगल जो विम्बल्डन का जो लेडीज़ का जो टूर्नामेंट होता है वो उन्होंने जीता, और शी बिकेम वर्ल्ड नंबर वन इन 2005, 22 अगस्त 2005 को, जैसे अपने ऊपर पड़ा वो वर्ल्ड नंबर वन बन गई। हर मंत्र फॉर सक्सेस, उनका क्या मंत्र था सक्सेस के लिए? मारिया हैज जर्नीड फ्रॉम साइबेरिया टू द टॉप ऑफ वुमेन्स टेनिस, इट हैज टच्ड द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस, दीज टेल्स डैट हर सेक्रीफाइसेस वर वर्थ इट, शी सेज डैट शी वर्क्स हार्ड एट वट शी डज। मारिया की जो जर्नी साइबेरिया से टॉप ऑफ द वुमेन टेनिस तक, वो लोगों के दिलों को छू गई। दिस टेल, ये हमें बताती है कि उनके जो सेक्रीफाइसेस थे उन वो वर्थ इट, वो बेकार नहीं गए, वो वर्थ उनको उन चीज़ों को बिल्कुल पूरी कीमत उनको मिल गई। शी सेज डैट शी वर्क्स हार्ड एट वट शी डज, वो कहती हैं कि जो भी वो करती हैं वो उसमें बिल्कुल कड़ी मेहनत करती हैं, उसको काम को पूरे दिल से लगन से करती हैं। मारिया स्पीक्स विद एन अमेरिकन एक्सेंट, जो मारिया है वो अमेरिकन एक्सेंट बोलती है क्योंकि वो बचपन से 9 साल के बाद से उधर रही है। शी शोज़ हर प्राइड टू बी अ रशियन, लेकिन उनका जो पैट्रियोटिक, जो उनका अपने देश के लिए, जो रशिया के लिए प्यार है वो दिखाता है, वो ये बोलने में वो गर्व महसूस करती हैं कि वो रशिया से हैं। शी सेज दैट हर ब्लड इज रशियन, हाउ एवर द US इज अ बिग पार्ट ऑफ हर लाइफ, शी हैज एक्सप्रेस्ड शी विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वांटेड हर टू प्ले। वो बोलती हैं कि जो उनका ब्लड है वो रशियन है, हालांकि जो US है वो उनकी बहुत बड़ा पार्ट है उनकी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने वहाँ से ही ट्रेनिंग सीखी, वहाँ से ही वो अपने जो वुमेन्स टेनिस के जो बिल्कुल पिनेक्स पर हैं, जो बिल्कुल वुमेन्स के टॉप पर वो पहुंच गई। शी हैज़ एक्सप्रेस शी विल प्ले द ओलंपिक, उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये जताया कि वो ओलंपिक खेलना चाहेंगे रशिया के लिए, अगर रशिया चाहता है तो। यहाँ पर जो हमारी जो ये आज का जो ये समरी थी मारिया शारापोवा की, रीच टू द टॉप वाली जो जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, इसको 20 to 30 वर्ड्स में आपको देना है आंसर। व्हाई वाज मारिया सेंट टू द US, व्हाट डज मारिया लाइक टू डू एज हर हॉबीज, व्हाट वर मारिया स्पेशल अचीवमेंट 2004, व्हाट वाज द रोल ऑफ मारियाज फादर इन शेपिंग हर करियर इन टेनिस। टास्क टू के 40 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। अकॉर्डिंग टू मारिया व्हाट हेल्प्स अस बिकम सक्सेसफुल, व्हाट डज मारिया से अबाउट द सेक्रीफाइसेस शी हैज मेड, Why do you think Maria wants to play tennis for Russia? Question number 4th है, How did Maria Sharapova learn quite early in life that tennis excellence would only come at a price? और जो question task 3 उसमें 100 to 120 words में आपको आंसर देना है। You have read about the life journey of Santosh Yadav and Maria Sharapova. Let us draw a comparison between the lives led by these two inspiring. क्वेश्चन नंबर 2 है, इमेजिन मारिया शारापोवा इज विजिटिंग योर स्कूल एज द स्टूडेंट एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन, यू हैव बीन गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरव्यू मारिया शारापोवा फॉर द स्कूल मैगजीन, डिजाइन अ सेट ऑफ क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू आस्क हर। तो इनके इकट्ठे हम आंसर्स आपको बताएंगे। जो आंसर टास्क 1 के आंसर हैं, फर्स्ट है, मारिया वॉज सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हर टेनिस ट्रेनिंग, द ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। मारिया शारापोवा टेनिस ट्रेनिंग के लिए उनको यूनाइटेड स्टेट्स भेजा गया था, और जो उनकी जो ट्रिप थी फ्लोरिडा अपने पिताजी के साथ, वो उनको लेकर गई, उनको लॉन्च किया उस पाथ पर, उस जगह पर जहाँ से उनको सक्सेस, सफलता और स्टारडम मिल सके। आंसर नंबर 2nd है कि कौन कौन सी उनकी हॉबीज थी। मारिया हॉबीज इंक्लूड सिंगिंग, डांसिंग एंड फैशन। She likes to wear long and sophisticated gowns for the evenings and eating pancakes. She is also fond of reading novels of Arthur Conan Doyle. कि जो मारिया की हॉबीज कौन सी थी, उनको सिंगिंग, डांसिंग और फैशन पसंद था। वो लॉन्ग सफोस्टिकेटेड मतलब बिल्कुल
जो ज़्यादा स्पेस ना हो, बिल्कुल जो कम स्पेस वाली जो गाउन्स होते थे, बिल्कुल भीचे हुए जो गाउन्स होते, वो इवनिंग्स के लिए, इवनिंग पार्टीज़ के लिए पहनती थी। वो पैनकेक्स खाना पसंद थी करती थी, और उनको आर्थर कैनन डोयल की जो नॉवेल्स थी वो उनको पसंद थी पढ़ना। आंसर नंबर 3 है कि 2004 में, 2004 में मारिया शारापोवा ने क्या जीता। मारिया वोन हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल एट द 2004 विंबलडन चैंपियनशिप। शी अनाउंस्ड हर सेल्फ ऑन द वर्ल्ड स्टेज बाय डिफीटिंग द टॉप सीड सेरेना विलियम्स। मारिया शारापोवा ने 2004 में ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल, वुमेन्स ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल वो जीता उन्होंने, और उन्होंने वर्ल्ड स्टेज पर पूरी दुनिया के आगे उन्होंने अनाउंस किया कि मैं भी काबिलियत रखती हूँ, बाय डिफीटिंग किसको हरा कर, जो टॉप सीडेड बिल्कुल जो ऊपर थी सेरेना विलियम्स को हरा कर। आंसर नंबर 4th है, मारियाज फादर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द शेपिंग हर करियर इन टेनिस, एज शी वॉज द वन हु मोटिवेटेड हर टू ज्वाइन टेनिस एंड ही टुक हर टू USA when she was 9 years old। मारिया के पिता का जो रोल बता रखा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था उनकी जो जो करियर को, टेनिस करियर को शेप करने के लिए, एज शी वॉज द वन, वो क्योंकि वो अकेले थे, वन हु मोटिवेटेड हर, जिन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया टू ज्वाइन टेनिस एंड ही टुक हर टू USA when she was 9 years old। तो यहाँ पर एक फादर की विक्ट्री भी हम मान सकते हैं, क्योंकि वो बचपन में 9 year old वाले बच्चे को नहीं पता कि उसको क्या करना है। तो सेकंड टास्क पर चले गए हम, जिसमें 40 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। आंसर नंबर 1st है, मारिया थिंक्स डेट द की टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इज बीइंग कंपेटिटिव हार्ड वर्किंग विद नो प्लेस फॉर सेंटिमेंट्स। मारिया यह सोचती हैं कि जो सफलता की चाबी है वो उनको मिलेगी जो व्यक्ति कंपेटिटिव, मतलब किसी से मतलब किसी से वो कंपटीशन करने के लिए तैयार होंगे, वो हार्ड वर्किंग होंगे, और जिनको सेंटीमेंट्स, कोई भी फीलिंग्स, मतलब ज़्यादा फीलिंग्स का उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। सी सेज डेट आवर डिटर्मिनेशन टू अचीव आवर मोटिव शुड बी अनशेकेबल बाय द डिफिकल्टीज फेस्ड, वी शुड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड टिल वी रीच द गोल। वो कहती हैं कि जो हमारा डिटर्मिनेशन है वो हमारे गोल को पहुँचने तक अनशेकेबल होना चाहिए, उसको कोई नहीं हिला सकता, जब चाहे हम कितनी भी डिफिकल्टीज फेस करें। वी शुड कंटिन्यू, हमें अपना जो वर्क है, हार्ड वर्क है, वो कंटिन्यू रखना चाहिए तब तक जब तक हम अपने गोल तक पहुंच नहीं जाते हैं। आंसर नंबर 2nd है, जो सेक्रीफाइसेस के बारे में आप क्या सोचते हो। द सेक्रीफाइसेस मारिया हैज मेड हर स्ट्रोंग एंड मेंटली टफ। जो सेक्रीफाइसेस मारिया ने किए वो उनको स्ट्रोंग और मेंटली टफ उनको बना दिया। शी हैड टू लिव विदाउट हर मोम फॉर 2 years। शी ऑल्सो डिडंट बियर टू सी हर डैड वर्किंग हार्ड टू अर्न मनी फॉर हर ट्रेनिंग। उनको अपनी माँ से 2 साल तक दूर रहना पड़ा, और वो ये भी बिल्कुल देख नहीं सकती थी, ये भी सहन नहीं कर पाती थी कि जो उनके पिता को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उनकी ट्रेनिंग के पैसे कमाने के लिए। शी हैड टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ सीनियर्स एज शी वॉज कंसिडर्ड एज एन आउटसाइडर। यहाँ पर एन आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, एन आउटसाइडर। उनको अपने सीनियर्स का उनका ऑर्डर फॉलो करना पड़ता था क्योंकि उनको आउटसाइडर माना जाता था। बट हर सेक्रीफाइसेस मेड हर अ स्ट्रोंग गर्ल टू फॉलो हर ड्रीम्स। लेकिन जो उसके सेक्रीफाइसेस थे वो उनको उनको स्ट्रोंग गर्ल उनको बना दिया, और वो ऐसी स्ट्रोंग गर्ल बन गई कि ताकि वो अपने जो ड्रीम्स को फॉलो कर सकें। आंसर नंबर 3 है, शी ऑलवेज क्लेम्स डेट शी वॉज बोर्न इन रशिया एंड हर पेरेंट्स आर ऑल्सो फ्रॉम रशिया। हर पेट्रियोटिक लव टूवर्ड्स हर कंट्री ऑलवेज मोटिवेट्स हर टू प्ले फॉर रशिया। शी ऑल्सो सेड शी अग्रीज टू प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट टू, या आप यहाँ पर वॉन्टेड टू लिख सकते हो। आई थिंक एवरी वन फील्स प्राउड टू रिप्रेजेंट हिज और हर कंट्री एज मारिया डज। वो क्लेम करती थी, ऐसा ये वो बोलती थी कि वो रशिया में बोर्न, उनका जन्म रशिया में हुआ, उनके पेरेंट्स रशिया से हैं, और उनका जो पैट्रियोटिक, जो देश के प्रति जो प्यार था वो उनको हमेशा मोटिवेट करता था रशिया से खेलने के लिए। और वो कहती थी कि मैं बिल्कुल एग्री हूँ, अगर रशिया चाहेगा कि आप हमारे लिए ओलंपिक खेले दो, और मैं ये सोचता हूँ, आई थिंक, और आप भी ये सोचते होंगे कि एवरी वन, प्रत्येक व्यक्ति फील्स प्राउड टू रिप्रेजेंट हिज और कंट्री एज मारिया डज, कि एवरी वन, सभी व्यक्ति
अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर कर काफ़ी खुश होते होंगे, काफ़ी उनको गर्व महसूस होता होगा जैसे मारिया को होता था। मारिया लर्न्ड क्वाइट अर्ली इन लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस एज शी पेड द प्राइस इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ हर मदर लव एट द टेंडर एज ऑफ 9। हर फादर टुक हर टू अमेरिका फॉर टेनिस ट्रेनिंग। शी हैड टू फेस द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बींग एन आउटसाइडर फॉर द नेटिव सो डैट वाई शी सेड दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस। मारिया अर्ली स्टेज पर अर्ली लाइफ में सीख चुकी थी जो टेनिस एक्सीलेंस और टेनिस की जो उसको उनको जो स्किल्स सीखनी है, जो उसमें महानता हासिल करनी है, उसके लिए उनको एक प्राइस देना पड़ेगा। और वो प्राइस दे भी चुकी थी क्योंकि वो 9 साल की उम्र में ही अपनी माँ से बिल्कुल 2 साल के लिए उन्होंने अलग वो रहना पड़ा उनको। उनके फादर उनको अमेरिका लेकर आए टेनिस ट्रेनिंग के लिए और शी हैड टू फेस उनको डिस्क्रिमिनेशन भी उनको फेस करना पड़ा एज एन आउटसाइडर, क्योंकि जो नेटिव्स थे जो अमेरिकन थे वो उनको आउटसाइडर मानते थे। सो वो इसीलिए कहती हैं कि टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस। अगले जो आंसर से उनको आपको 100 और 120 वर्ड्स में देना है, आपको पहले क्वेश्चन में दोनों की जो लाइफ है उनको आपको कंपैरिजन करना, संतोष यादव और मारिया शारापोवा। द लाइफ ऑफ बोथ द स्टार्स आर वेरी स्ट्रगलिंग, द चैलेंजेस आर डिफरेंट बट देयर शियर डिटर्मिनेशन लेड देम टू अचीव वट एवर दे वॉन्ट। जो दोनों की जो लाइफ थी वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी और जो चैलेंजेस थे वो डिफरेंट तो थे, लेकिन जो उनका जो केवल डिटर्मिनेशन था, जो उनका दृढ़ निश्चय था, वो उनको उन गोल्स तक ले गया, उनको वो गोल्स तक अचीव उनको करने में उनको सहायता मिली जो वो चाहते थे। अगर संतोष यादव की बात करें, संतोष यादव बोर्न इन एफ्लुएंट एंड प्रॉस्पर फैमिली, वो काफ़ी समृद्ध और काफ़ी एक ऐसी व्यक्ति ऐसे परिवार में वो पैदा हुई थी जहाँ पर पैसे की कमी नहीं थी। शी हैड टू फेस द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द ट्रेडिशनल वैल्यूज बट शी वॉज डिटरमाइंड टू एजुकेट हर सेल्फ। जो उनको जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थे, जो पारंपरिक वैल्यूज थी, उनसे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी वो उनको फेस करनी पड़ती थी, लेकिन वो काफ़ी डिटरमाइंड थी अपनी एजुकेशन को लेकर। शी चैलेंज्ड वट एवर केम इन हर वे, वो चैलेंज करती थी जो भी उनकी वे में याद आएगा वो उस पर फोकस ना कर कर अपने जो गोल पर मोटिव पर फोकस करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स टू नेवर मैरी इफ दे डिड नॉट गिव हर अ प्रॉपर यहाँ चांस टू नहीं आएगा अ प्रॉपर चांस टू एजुकेट हर सेल्फ। वो अपने पेरेंट्स को यहाँ तक यहाँ पर थ्रेटन करती थी, उनको धमकाती थी कि उनको धमकी देती कि वो कभी शादी नहीं करेंगे अगर आप मुझे एक प्रॉपर चांस पूरा चांस नहीं दोगे मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और हार्ड वर्किंग एटीट्यूड मैच्योर्ड हर क्लाइंबिंग स्किल, जो उसकी हार्ड वर्किंग स्किल्स थी उनको उन्होंने उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स को मैच्योर कर दिया। शी वॉज इक्विप्ड विद आयरन विल फिजिकल एंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस। दिस ऑल लेड हर टू बिकम द फर्स्ट वूमेन ऑफ द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। और इन सारी चीज़ों ने उनको बना दिया 2 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने वाली पहली वुमेन इन द वर्ल्ड। अगर मारिया शारापोवा के बारे में बात करें तो मारिया शारापोवा फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव, जैसा आपने पढ़ा ऊपर। एट द वेरी यंग एज हर फादर टुक हर टू फ्लोरिडा फॉर टेनिस ट्रेनिंग। हर फैमिली वॉज नॉट सो एफ्लुएंट सो डैट हर फादर हैड टू वर्क हार्ड टू कीप हर ट्रेनिंग गोइंग। काफ़ी यंग एज में ही आपको पता है कि वो फ्लोरिडा आ गए। उनकी जो फैमिली थी वो इतनी समृद्ध नहीं थी, इतने पैसे बलवान नहीं थे वो, ताकि कि उनकी जो ट्रेनिंग है उनका वो जो खर्चा है जो बियर कर सके, इसलिए उनके जो फादर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। शी लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम द सेक्रीफाइस शी हैज मेड, और वो काफ़ी चीज़ वहाँ से सीखी जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए। शी न्यू नथिंग वुड बी फ्री टू टेक, वो ये जान चुकी थी कि कुछ भी फ्री नहीं है लेने के लिए। शी फेस डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम हर सीनियर्स एंड डैट मेड हर मोर डिटरमाइंड टू अचीव। हर मंत्र फॉर सक्सेस इज टू वर्क हार्ड, जो उनका मंत्र था उस सक्सेस के लिए क्या था कि कड़ी मेहनत करो। तो सेकेंड क्वेश्चन, उसमें अब सेट ऑफ क्वेश्चन यू विल लाइक टू आस्क व्हेन यू इंटरव्यू मारिया शारापोवा। मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन डाले हैं, इसमें आप 5 और डाल सकते हैं तो पूरा आपका सेट बन जाएगा। और आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं कि मारिया शारापोवा से आप कौन कौन से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हु आर योर सपोर्टर्स, व्हाट्स योर
बिगेस्ट वीकनेस, हाउ डू यू फेस योर वीकनेस, प्लीज डिस्क्राइब यूर सेल्फ इन वन वर्ड। तो ये आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब आप किसी स्पोर्ट्समैन से आप इंटरव्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। आपको लास्ट में क्या मैसेज पढ़ने को मिलता है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोइए। एंड इफ यू फील दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।